हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट पेट एट केटल में। यदि आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यदि मेरी वीडियो व सुझाव यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पशु में लगने वाले पेट बंद के कारण, पशु में पेट बंद किसकी वजह से लगता है और पशु में पेट बंद कैसे लगता है इनके बारे में बताएंगे आपको डिटेल से। और पेट बंद होता क्या है, तो पेट बंद क्या होता है कि पशुओं के द्वारा अधिक मात्रा में दाना या चारा खा जाने से पशुओं का पेट क्या कि कठोर हो जाता है, उसे हम पेट बंद कहते हैं। अब पेट बंद के क्या कारण है, वैसे पेट बंद के बहुत से कारण हैं, लेकिन आपको जो मैन जो मेरी याद है वो बता रहा हूँ आपके पेट बंद के क्या कारण। जब आपका पशु अधिक मात्रा में जो साबुन दाल आदि जो चारा खा जाने से या अधिक मात्रा में आहार खा जाने से या अचानक आहार में परिवर्तन आने से या मौसम में अचानक परिवर्तन आ जाने से भी आपके पशु में के अंदर पेट बंद हो जाता है। जब गर्मी ऋतु से जैसे वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद में सर्दी ऋतु आती है, तो इसमें क्या है कि जैसे आहार में भी परिवर्तन होता है। गर्मी में अलग आहार दिया जाता है, सूखा चारा लगता है, वर्षा ऋतु में हरा चारा दिया जाता है और शरद ऋतु में आती ही वापस सूखा चारा हो जाता है। तो इसमें जैसे चेंज होता है, अचानक आहार में परिवर्तन कर देते हैं तो पशु में पेट बंद की सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। उसमें उसका जो आहार परिवर्तन करते हैं तो सबसे ज़्यादा केस उसी में देखने को मिलते हैं हमें पेट बंद के। और जब पशु बहुत पर्याप्त मात्रा में पशु जब पानी पी जाता है काफ़ी समय तक, एक ही लक्षण दिखाई देते हैं हमें पशुओं के, और काफ़ी समय तक पशु भूखा रहता है या एक ही जगह पर खड़ा रहता है और कमजोरी भी हो जाती है पशु के अंदर। और कई कई बार ऐसे होते हैं जब पेट बंद के केस देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे उसे पेट दर्द है, उसे पशु के पेट दर्द होता है। पेट दर्द में क्या होता है, पशु पैर उछालता है तो पेट मारता रहता है और पशु का सिर लटका भी रहता है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि पशु उसका सिर लटके लटके उसमें घर घर की आवाज़ भी आने लग जाती है। और पशु के अंदर कई दिनों से यदि पशु दाना चारा कुछ नहीं खा पाता है तो उसके अंदर उसकी आंखें धस जाती हैं। किसकी वजह से, कमजोरी की वजह से आपकी उसके पशु की आंखें भी धस जाती हैं। और पशु कई लंबे समय से तो खाना खा नहीं पाता तो उसमें के अंदर क्या है कि जैसे कोई शराबी व्यक्ति जिस तरह से चलता है इधर उधर, उसी तरह से आप पशु की चाल भी शराबी की तरह ही हो जाती है। और पशु के जाके लंबे समय तक ऐसे रहने से उसके नाक से भी सफ़ेद पीला आना पदार्थ आने लग जाता है। और कई बार पशु की जो रुमन की गति है वो बहुत कम हो जाती है। रुमन की गति हम कैसे नापते हैं, जब पशु की बाएं कोल के अंदर हम जब हाथ से दबाते हैं तो वो 2 मिनट के अंदर 3 बार मूवमेंट करती है। तो उसमें क्या है कि जब वो मूवमेंट करना बिल्कुल भी बंद कर देती है, आपके पशु की गति हम हाथ से नापते हैं बिल्कुल कर देती है, तो ये देख लेना चाहिए कि आपका पशु या तो सिंपल इंडाइजेशन में या पेट बंद में, यानी उसकी रुमन की गति बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि उसको पेट बंदी हो गया है। और पशु का टेम्परेचर भी कम हो जाता है पेट बंद के अंदर, और पशु की श्वसन रेट है वो भी तेज़ हो जाती है। कई बार पशु के सबसे ज़्यादा केस देखने के मिलते हैं कि जब पशु के पेट बंद हो जाता है तो पशु क्या है कि वहाँ पर खड़े खड़े दांत खिटखिटाता रहता है, तो पशु मालिकों को ऐसा लगता है कि जैसे वो जुगाली कर रहा है, लेकिन वो जुगाली नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ क्या है कि वो सिर्फ दांत किटकिटाता है, वो दांत आपसे में किटकिटाता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि पशु जोर तो खूब लगाता है, कोशिश करता है गोबर करने की, लेकिन गोबर नहीं आता, और गोबर करता भी है तो वो हल्के नीले गहरे काले रंग का करता है, तो उसमें बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है। ये भी पेट बंद की लक्षण है जब आपके पशु के अंदर ऐसा हो जाए तो करता है। और कई बार क्या आता है कि पशु लंबी स्टेज पर चला जाता है, यदि आपका पशु लंबे समय तक इसी स्थिति में रहे तो उसके बाद में उसकी मौत भी हो जाती है। पेट बंद के अंदर पशु की मौत भी हो जाती है, यदि उसका ट्रीटमेंट सही नहीं मिले तो मौत होती है। तो अब पेट बंद का जो ट्रीटमेंट है वो मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगा। आप जो मेरी चेयर पर देख रहे हैं ये सब प्रोडक्ट, ये सभी क्या है कि पेट बंद के अंदर काम ही ले जाते हैं। वैसे पेट बंद की तो बहुत सी मेडिसिन होती है, हर पशु चिकित्सक की अलग अलग मेडिसिन होती है और बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है आपके पशुओं का। तो पशुओं के अंदर कौन कौन से जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं पेट बंद के कारण वो मैं आपको बता रहा हूँ। हड्डी कॉम्प्लेक्स में इंजेक्शन आता है, इसका इंजेक्शन आता है विरिबे कंपनी का रूमेरिक इंजेक्शन आता है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स प्लस एमिनोसिड होता है। इसमें आप अपने पशुओं को 10 ml लगातार 3 दिन दे, 10-10 ml इंट्रामस्कुलर आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। इसका बहुत ही बेटर रिजल्ट है पेट बंद के अंदर रूमेरिक इंजेक्शन का। और इसी प्रकार मल्टी विटामिन के तौर पर हम उसके इंजेक्शन जो लेते हैं वो न्यूरोक्सिन एमाइड लेते हैं, क्योंकि एक तरह की नर्वाइकली हो जाता है इसकी डिजीज़ के लंबे समय तक, यदि आपका पशु पेट बंद में रहेगा तो इसमें लेते हैं न्यूरोक्सिन एमाइड। ये 30 ml लेते हैं न्यूरोक्सिन एमाइड, 30 ml ले लो, जैसे आप मेनकाइंड का आता है ऐसे न्यूरोकाइंड प्लस, ये भी 30 ml ले सकते हैं। इनमें दोनों में से कोई सा भी एक इंजेक्शन मिले वो हम यूज़ में ले सकते हैं और लगातार 3 दिन 30-30 ml अपने पशुओं को देते हैं जब पशुओं का पेट बंद हो। उसी प्रकार उसमें टोनोफोर्स इंजेक्शन भी लेते हैं 30-30 ml लगातार 3 दिन 30 ml लगातार 3 दिन लेते हैं।
और पेट बंद के अंदर एंटीबायोटिक तो बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि पशु की वैसे भी उस पशु की भूख कम लग रही है, तो एंटीबायोटिक तो इसमें लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इसके अंदर फ्लूड थेरेपी के तौर पर हम उसमें DNS लेते हैं। DNS यदि आपके पशु को जब पेट बंद हो जाए, कम से कम ज़्यादा दिन निकल जाए, तो उसे कम से कम 4 से 5 लीटर उसे DNSIV लगाते हैं, और DNS के अंदर ही हम ये इंजेक्शन न्यूरोक्सिन M टोनोफोस ये इंजेक्शन हम इसमें यूज़ में ले लेते हैं। तो ये तो है इनका जो इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, और अलग अलग पशु चिकित्सकों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। जो ये ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता दिया है। अब सपोर्ट थेरेपी के अंदर बहुत से ऐसे आते हैं जो अब पेट बंद के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब आप सपोर्ट थेरेपी यूज़ में नहीं लोगे, यदि जो साइड में यदि आप कुछ ऐसे पाउडर लिक्विड यदि हम यूज़ में नहीं लेंगे, तो पशुओं का पेट बंद खुलना असंभव है, बिल्कुल भी नहीं खुल पाता। इसके लिए सपोर्ट थेरेपी के तौर पर हम उसके लिए सबसे पहले लेते हैं हम मैग्नीशियम सल्फेट। आप अपने पशुओं को 400 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, और उसमें 200 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, और उसमें 200 ग्राम पाउडर इम्पेक्डोन, ये पाउडर इम्पेक्डोन है 200 ग्राम ये ले लेते हैं, और 200 ग्राम डाइजेस्टोवेट पाउडर। ये जो चारों चीज़ें हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इम्पेक्डोन और डाइजेस्टोवेट, इन चारों को हम एक साथ मिला लेते हैं, और मिला करके इसमें थोड़ा सा हम बाजरे का आटा या कुछ डाल लेते हैं, गुड़ बाजरे का आटा या थोड़ा सा गुड़ डाल के उसकी पिंडी सी बना ले लेते हैं, और हम पशुओं को एक साथ देते हैं। इस तरह से ये लगातार 3 दिन इसका पशु का ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि आपके पशु चिकित्सक भी यदि नहीं देखे जाए, तो आप खुद लेके ये 3-4 पाउडर आप अपने पशु को एक साथ मिला करके थोड़ा सा बाजरे का आटा या थोड़ा गुड़ की डली लेके आप अपने पशु को 3 दिन लगातार दें, ये तो आपको देना ही देना होगा। और लिक्विड के तौर पर यदि हम बात करें, तो इसके अंदर लिक्विड पैराफिन होता है, जैसे मैनकाइंड का आता है लेग्जा वाला, ये हम दे सकते हैं 200 से 300 ml एक बार लगातार 3 दिन दें। और इसी तरह एक एनीवेट का आता है लग्जीवेट, ये भी बहुत बढ़िया है, ये 500 ml हम यूज़ में ले सकते हैं, 500 ml लगातार 3 दिन पशुओं को। इसमें भी बंद में बहुत ज़्यादा फायदा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। और एक अलग आता है लिक्विड पैराफिन, ये भी हम 400 ml यूज़ में लेते हैं, जब ये मेडिसिन जब यूज़ में ले लेते हैं, तो ये लिक्विड पैराफिन 400 ml के साथ हम 500 ml सरसों का तेल मिलाते हैं, और 1 लीटर दूध मिला करके हम पशु को दे देते हैं, उसमें भी बंद में खुलने की ज़्यादा चांस रहते हैं। इसी प्रकार जैसे कोलैल है, ये भी हम यूज़ में लेते हैं, कोलैल भी आप पशु को 500 ml लगातार 3 दिन देते हैं। इसी प्रकार हम नीट ले लेते हैं, कोलैल या नीट, ये नीट 300 ml लगातार 3 दिन देते हैं, या तो कोलैल यूज़ में ले लेंगे या नीट ले लेंगे, इन दोनों में से कोई सा भी एक प्रोडक्ट हम यूज़ में ले सकते हैं लगातार। यदि उसके बाद में भी आदमी पशु का बंद नहीं खुल रहा है, तो इसमें केसर ऑयल यानी अरंडी का तेल, ये 400 ml अरंडी का तेल 400 ml लेते हैं, और इसके अंदर सरसों का तेल मिलाते हैं 500 ml, और 1 लीटर दूध, और 50 ग्राम हींग इन, और थोड़ी सी हल्दी 50 ग्राम, ये सब मिला करके आप अपने पशु को लगातार हम 1 दिन देते हैं। यदि इससे पेट बंद खुल जाए तो अच्छा है, लेकिन केसर ऑयल देने के बाद ये है कि यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, तो वो अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांस हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है। तो लेकिन बंद खुलने से तो बेटर रहना चाहिए, अबॉर्शन हो जाए, लेकिन बंद खुल जाए तो इससे फ़ायदा ही होगा, तो इसमें यूज़ में हम ले सकते हैं। ये जितनी मैंने मेडिसिन बताई है आप यूज़ में ले सकते हैं। और पाउडर के तौर पर हम इसमें डाइजामिक्स लेते हैं, पाउडर डाइजामिक्स, ये डाइजामिक्स पाउडर आता है, ये 100 ग्राम हम डेली लगातार 15 से 20 दिन यूज़ में लेते हैं, यानी 100 ग्राम डेली की डोज है। यदि आपके पशु को पेट बंद हो जाए, तो ये तो आपको रखना ही रखना है। यदि आपका पशु चिकित्सक इन सभी को देखे नहीं जाए, तो भी आप सभी प्रोडक्ट आप अपने खुद दे सकते हैं, जो सपोर्ट थेरेपी के अंदर है, ये आप अपने खुद यूज़ में ले सकते हैं, और आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। अब देसी इलाज के तौर पर यदि मैं बताऊँ, तो हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट है ये 400 ग्राम, इसके 2 पाउच लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 पाउच लेते हैं, और इसी प्रकार जो पाउडर इम्पेक्डोन है इसका क्या लेते हैं, 2 पाउच इसके लेते हैं, और बायोबूस्ट बोलस लेते हैं, ये बायोबूस्ट बोलस ले लेते हैं 16 बोलस ले लेते हैं बायोबूस्ट, और इसके अंदर सूंट मिलाते हैं 250 ग्राम, अजवाइन 500 ग्राम, काला नमक 500 ग्राम, हींग 50 ग्राम, छिनास का पत्ता 100 ग्राम, और कैरिया, जो कैरिया बोलते हैं उसे, वो लेते हैं 250 ग्राम। इन सभी को कूट करके पीस लेते हैं, और ये सभी एक साथ मिला करके इसकी खुराक बना लेते हैं 6।
सिक्स खुराक बना लेते हैं और एक एक खुराक सुबह शाम हम हमारे पशुओं को देते हैं। एक खुराक सुबह देते हैं और एक खुराक शाम को। इस प्रकार लगातार 3 दिन आप अपने पशुओं को दें, आपके पशु का पेट बंद जहाँ तक होगा वो खुलने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे। फिर भी यदि आपके पशु का पेट बंद नहीं खुल रहा है तो उसके अंदर उमनटोमी करते हैं, यानी पशुओं के पेट के अंदर चीरा लगाया जाता है। चीरा लगा करके जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है पेट के अंदर वो निकाला जाता है और फिर पेट के टांके लगा के बंद कर दिया जाता है। इसे हम रुमनटोमी कहते हैं। ये किया जाता है, ये तो लास्ट स्टेज है। यदि इनसे भी यदि आपका पशु का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो आपके पशु की डेथ होना ही स्वाभाविक है। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है पेट बंद पर, टिम्पेनी पर, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिस तरह से आप मेरे को प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, उसी तरह से आप देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। तो थैंक्स, धन्यवाद।